Hello students, today we are going to start the second chapter, Computers In and Out. आज हम ये नया पार्ट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है Computers In and Out. So, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या. इस चैप्टर में कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के बाहर, अंदर बाहर क्या होती है, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एंड जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस पर एक समझ आएगी कि ये कंप्यूटर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, जिस तरह इंसान भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं अभी हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ आप सबको समझाने के लिए, बात करने के लिए. और इवन इफ़ आई यूज़ इंग्लिश, तो या फिर मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ ये भी बात करने के लिए या समझाने के लिए. तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं. वैसे ही कंप्यूटर को भी अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा. तो कंप्यूटर को अगर कुछ चाह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे हिसाब से चले, तो वो कंप्यूटर की भाषा में ही बताना होगा. तो हम इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम बहुत क्लियरली ये समझ जाएंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होता है. दूसरी चीज़ है कि इनपुट डिवाइसेस हम किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. अब तक आप 1, 2, 3 तक याद करते आए हैं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है. बट इस चैप्टर के बाद, ये चैप्टर एंड होने के बाद, आपको कभी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जब कोई पूछ देगा कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट या आउटपुट, आप तुरंत बता पाओगे. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि ये कंप्यूटर के अंदर ये प्रोसेसिंग कैसे होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन में कैसे बदलता है, ये चीज़ आप डिस्क्राइब कर पाओगे. सो वी हैव रेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ टू गेट द कंप्यूटर टू वर्क. How can we tell it what to do and what we want? Let us see how we can talk to the computer. Computer के इतिहास के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 1, 2, 3 हर बार पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई है. दैट इज़ एबेकस आया, फिर पैस्कलाइन आया, फिर इस तरह से जो कैलकुलेशन को इम्प्रूव करते करते हमने मशीन को इतना एफिशिएंट बना दिया, इतना स्मार्ट कर दिया. ओके, तो इस चीज़ को हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हमने पढ़ा है. और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग की बात और रोचक वो होगा, वो बात जानने में होगी कि ये कंप्यूटर काम करता कैसे है और हमें कैसे पता चलेगी कि इसे कब क्या करना है और कैसे करना है, और हम जैसे चाहते हैं क्या वो वैसा करेगा. सो अभी हम लोग इस चैप्टर में वही सीखेंगे कि कंप्यूटर से कैसे बात करना है, कंप्यूटर की भाषा क्या है. तो कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ चीज़ें जो पहले भी हमने पढ़ा है उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लाइक द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, एक हार्डवेयर में, एक दूसरा एक सॉफ्टवेयर में. और हार्डवेयर का मतलब क्या, एक फिज़िकल पार्ट होता है, मतलब जिसे हम छू भी सकते हैं और जो विजिबल भी है. और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो भी चीज़ें हम लोग हार्डवेयर के थ्रू, दैट इज मतलब फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और ये जो भी डेटा हम दे रहे हैं ये CPU के पास जाता है, वहाँ प्रोसेस होकर वो हमें फिर मॉनिटर में दिखता है ना. तो फिर बाद में वो क्या हो जाता है, यही जो है इन्फॉर्मेशन हो जाता है.